नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 13 मार्च 2023 की सुबह 5:47 पर मंगल देव वृषभ राशि को छोड़कर बुध देव की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 9 मई 2023 तक मंगल मिथुन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इन 58 दिनों की समयावधि में मंगल सभी राशि वाले जातकों के जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालने वाले हैं। इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। हालांकि मिथुन राशि के जातकों, मंगल का यह परिवर्तन देश काल वातावरण के ऊपर, देश दुनिया पर, सैनिक के ऊपर और वैश्विक स्तर पर भी काफी गहरा प्रभाव डालने वाला है। तो मंगल के बारे में भी आपको जानकारी दिया जाए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को साहस का, छोटे भाई बहन का, अचल संपत्ति का, सेक्स की कामना का, सौतेली माँ का, विज्ञान का, ताकत का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी क्षेत्रों पर मंगल का पूर्ण आधिपत्य होता है। मंगल की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर अनुकूल हो तो ऐसे जातक के अंदर रिस्क लेने की भावना काफी ज्यादा होती है। मंगल यदि बलि हो जाए तो जातक शारीरिक रूप से काफी मजबूत होता है। ऐसा जातक प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में साहस के बल पर, अपनी शारीरिक क्षमता के बल पर चुनौतियों का डटकर सामना करता है और विजय भी अर्जित करता है। मंगल यदि बलि हो जाए तो खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयास करने पर ही बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। मंगल मजबूत हो जाए तो जातक की सामर्थ्य शक्ति काफी ज्यादा होती है। ऐसा जातक परिवार के सदस्यों का पालक होता है। मंगल जन्म कुंडली में 3रे भाव, 6ठे भाव, 10वें भाव और 11th भाव में यदि गोचर कर रहे हों तो ऐसे जातक को जीवन में कई सफलता देखने के लिए मिलती है। वहीं मंगल की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर अशुभ हो जाए, खराब हो जाए, मंगल शत्रु राशिगत शत्रु ग्रहों के प्रभाव में मौजूद हो तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। मंगल पीड़ित हो जाए तो दुर्घटना जीवन में हमेशा होती रहती है। ऐसे जातक के अंदर क्रोध और हिंसा की भावना काफी ज्यादा होती है। मंगल पीड़ित हो, फोड़े फुंसी की समस्या, आंखों में प्रॉब्लम, रक्त से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, बीपी की समस्या शरीर में दिखाई देती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब रहता है। मंगल के खराब होने पर अज्ञात भय शरीर में बना रहता है, यानी आत्मविश्वास की कमी भी देखने के लिए मिलती है। तो इसको मंगल देव से जुड़ा हुआ उपाय करके ठीक भी किया जा सकता है। तो मकर राशि के जातकों, अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव आपकी कुंडली पर देखने के लिए मिलेगा, यानी आपकी राशि पर देखने के लिए मिलने वाला है। बताई गई ये जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, मंगल देव आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव और 11वें भाव यानी लाभ भाव के स्वामी होते हैं, जो 13 मार्च 2023 को आपके राशि के 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं। राशि के 6ठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में, नौकरी के बारे में, कंपटीशन के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। मंगल आपके 6ठे भाव पर प्रभावी होकर अपने चतुर्थ दृष्टि से आपके राशि के भाग्य भाव को देखेंगे। सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखने वाले हैं, वहीं अष्टम दृष्टि से आपके लगन भाव को देख रहे हैं।
तो 13 मार्च से लेकर 9 मई तक की समयावधि में मंगल आपके जीवन पर काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं। राशि के छठे भाव पर मंगल शुभ स्थितियों में होंगे, तो मकर राशि के जातकों को सबसे पहले कर्म क्षेत्र में बेहतर सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। जीवन में यदि आप किसी भी फील्ड में जुड़े हुए हैं, यदि आपको पूर्व के समय से लगातार चुनौतियां मिल रही थी या लगातार आपको असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। इस समय अंतराल में जो जातक होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन करते हैं, पुलिस, फौज या प्रशासनिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, डेंटिस्ट हैं, फायर ब्रिगेड के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जेलर हैं, रसायन शास्त्र के क्षेत्रों में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। मंगल का यह परिवर्तन ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, उनके लिए नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर दे सकता है। यानी नौकरी भाव पर मंगल का गोचर हो रहा है, तो आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि के जातकों को भाग्य का भरपूर साथ देखने के लिए मिलने वाला है। हालांकि पिता के सेहत को लेकर, चूंकि चतुर्थ दृष्टि से आपके राशि के नवम भाव को देख रहे हैं, तो सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में इजाफा होने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी धन की अकस्मात वृद्धि होने का भी प्रबल योग आपके जीवन में बनने वाला है। मकर राशि के जातकों, मंगल देव आपके लगन भाव को देख रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ापन आपको ज्यादा दिखाई देगा, स्वभाव में आपकी उग्रता ज्यादा बनेगी। चूंकि लगन भाव यानी लगन से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, स्वभाव के बारे में देखा जाता है। मंगल को एक क्रूर ग्रह और गर्म ग्रह कहा गया है, तो जब मंगल किसी भी व्यक्ति के लगन भाव पर प्रभावी हो जाएंगे तो चिड़चिड़ापन स्वभाव में निर्मित होता है। तो यहां पर मकर राशि के जातकों को कड़वे वचन से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के सदस्यों में नपे तुले शब्दों का आपको प्रयोग करके ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समय अंतराल में यदि आपका कोई मुकदमा पेंडिंग में पड़ा हुआ था, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मुकदमा आपके जीवन में चल रहा था, उसमें आपको विजय की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। कंपटीटर्स को पराजित करने में भी आप सफल रहने वाले हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल के परिवर्तन के फल स्वरूप देखने के लिए मिलने वाला है। अब यदि आपके लिए सावधानी की जानकारी दिया जाए, सबसे पहली सावधानी मकर राशि वाले जातकों को अपने कर्म स्थल को लेकर रखनी चाहिए। जीवन में समय प्रबंधन का आपको ध्यान देना है। व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के कार्यों में अपने जीवन में अपने उत्साह का और अपने समय का दुरुपयोग करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप मंगल के शुभ प्रभाव को जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, तो सकारात्मक कार्यों को ही आपको करना होगा। दूसरी सावधानी मकर राशि के जातकों को क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखनी चाहिए। व्यर्थ का गुस्सा निर्मित करने से इस समय अवधि में बचें। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मंगल ग्रह को अनुकूल और मजबूत करने के लिए हनुमान जी की आराधना करना बेहतर रहने वाला है। वहीं आप मंगलवार के दिन यदि आप मीठे प्रसाद का भोग हनुमान मंदिर में आप लगाते हैं, तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर बनेगी। मंगल को मजबूत करने के लिए घर के सभी सदस्य मिलकर सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तो आप हमें जरूर बताएं। और बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके मकर राशि के अन्य जातकों के पास शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।